बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि अल्कीन्स क्या है। दे आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मेन जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, जैसे हैलोजन्स हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, बट ये क्या है, इनके चांसेस बहुत कम है, मिनिमम है, बेयर मिनिमम है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि अल्कीन्स क्या है। दे आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच एक से ज्यादा बॉन्ड है देन दे आर नोन एज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अल्कीन्स के केस में इट इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। रिमेंबर, अगर हमारे पास पूरी की पूरी चेन जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स की है, लेकिन एक जो है वो बीच में सपोज कोई और एलिमेंट है, सपोज नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, देन तब भी हम इसको जो है वो अल्कीन कैरेक्टराइज नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। ये वाला जो ग्रुप है इसकी वजह से हम इसका, ये चूंकि फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा तो हम इस कंपाउंड का नेम चेंज कर देंगे, लेकिन बेसिकली क्या है, ये वाली जो पिछली वाली चेन होगी वो अल्केन चेन ही होगी। नवाल बच्चे आप हेडफोन यूज कर रहे हो? हाँ, उनकी मूवमेंट की वजह से ना काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, तो अगर आप उसको रिमूव कर दो या आप उसको मूव करना बंद कर दो। ठीक है, मुझे बताओ फिर ताकि डिस्टॉर्शन कम हो। ओके, आई एम स्टार्ट फिर। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड होगा तभी हम उसको अल्कीन कैरेक्टराइज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब देखो जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो है वो मीथीन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? यस मैम। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी, तो इस वजह से अब हम जो है उस दोबारा डिस्कशन को मैं दोहराऊंगी नहीं। यहाँ पर हम जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन्स का वो है ही टू नंबर वाला कार्बन एटम्स वाला ग्रुप या कंपाउंड जिनमें हमारे पास दो कार्बन एटम है। क्यों? क्योंकि अगर दो कार्बन एटम होंगे ही नहीं तो डबल बॉन्ड किसके बीच फॉर्म होगा, और जब दो कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड ही फॉर्म नहीं हुआ हुआ तो हम एल्कीन किसे कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, देन प्रॉप की तरफ आ जाते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, थ्री नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड देन वी हैव द ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूट means four, so it consists of four number of carbon atoms. ठीक है, अब ये जो first three alkenes हैं, they are gases. ठीक है, जबकि C5 से लेकर C15 तक they are liquids. ठीक है, and higher members, मतलब जो जो carbon का number आप increase करते चले जाएंगे, जो state है इन compounds की, इन alkenes की, वो क्या हो जाएगी, वो change हो जाएगी. पहले gas थे, then they became liquid and then they became solids. Okay? ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी ये है कि दैट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज अभी आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपने इनको क्या करना है, आपने इनको लिख लेना है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है दैट दे आर हाइड्रोकार्बन, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर आपने थर्ड प्रॉपर्टी में आपने लिख लेना है कि फर्स्ट थ्री मेंबर्स गैसेस हैं, देन लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स, एंड देन फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल है बिकॉज वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, लेकिन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कि नॉन पोलर हैं सच एज अल्कोहल वगैरह, उनके अंदर ये क्या हो जाएंगे, ये सॉल्युबल होंगे। सॉल्युबल, ठीक है, ये पोलर और नॉन पोलर वाले डिस्कशन भी हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं नवाल, है ना? यस मैम। ओके, द टू कार्बन एटम्स फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड आर जॉइंड ओनली टू द थ्री एटम्स। देखो, एक कार्बन एटम क्या कर सकता है, मैक्सिमम फोर बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। सो व्हेन वन कार्बन एटम फॉर्म्स टू डबल बॉन्ड्स, राइट, तो इसके पास कितने बॉन्ड्स बच गए, जस्ट टू बॉन्ड्स।
टू बॉन्ड्स राइट, आई एम गोना राइट एक्स या हाइड्रोजन आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। सो टोटल यहाँ पर देखो कि एक कार्बन एटम कितने एटम्स के साथ बॉन्डेड है, एक जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है वो तीन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। वे नॉट, यहाँ पर उनने क्या किया है, ओनली थ्री एटम्स की बात किया उनने, ये यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात नहीं की है, उनने थ्री यस मैम, एटम्स की बात की है। तो एटम्स तो तीन ही है ना, आप उन एटम्स के साथ वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे, डबल फॉर्म करे, ट्रिपल फॉर्म करे, इट डजंट मैटर, क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, नाउ अब चूंकि एक कार्बन एटम फोर एटम्स के साथ बॉन्ड कर सकता है मैक्सिमम, तो ये जो डबल बॉन्ड है बच्चे, ये वल्नरेबल है कि कोई भी दूसरा एटम आके इस डबल बॉन्ड के ऊपर आके अटैक कर सकता है और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक करके उसको सिंगल में कन्वर्ट करके ये एक बॉन्ड अपने साथ फॉर्म कर सकता है, ठीक है। यस मैम, देयरफॉर जो ये हमारे पास अल्कीन्स हैं, दे आर रिएक्टिव। मैम एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। देखो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच क्या फॉर्म है, डबल बॉन्ड फॉर्म है ना, ठीक है। यस मैम, अब लेकिन एक कार्बन एटम जो है वो फोर डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। यस मैम, तो क्या है कि किसी भी एटम के अंदर पोटेंशियल है कि वो बाहर से आए और आके इस कार्बन को कहे कि भाई नहीं, तुमने इसके साथ, इस दूसरे कार्बन एटम के साथ दोस्ती नहीं करनी, तुमने मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है। तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करवा के इस कार्बन का बॉन्ड अपने साथ बनवा लेगा, यस मैम, ठीक है। सो इट विल रिजल्ट इन आर रिएक्शन, ओके। यस मैम, देयरफॉर द अल्कीन्स आर रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस मैम, क्लियर। ओके चले, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया। इसके बाद हम रिएक्शन विद हैलोजन्स देखेंगे एंड रिएक्शन विद KNO4 देखेंगे।